नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। यूं तो आपने अक्सर आला अधिकारियों की गाड़ियों को हु करते हुए सड़कों पर पराठे भरते देखा होगा, लेकिन बीते बुधवार की रात नगर की सड़कों पर कुछ एक अलग ही नजारा देखने को मिला। जी हां, जब पुलिस अधीक्षक हरदोई साइकिल पर सवार दिखाई दिए, पुलिस अधीक्षक को साइकिल पर सवार देखकर पहले तो लोगों को भरोसा ही नहीं हुआ कि ये सत्य है, पर जब पुलिस की वर्दी में अन्य अधिकारी भी साइकिल पर सवार दिखाई दिए तो लोगों के विश्वास को बल मिला। बताते चलें कि हरदोई जनपद में पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात विपिन कुमार मिश्र तेज तर्रार अधिकारी हैं और वह कानून व्यवस्था को लेकर सख्त होने के साथ साथ आम जनता के लिए बहुत सरल स्वभाव के भी हैं। यहाँ पर यह जानना भी जरूरी हो जाता है कि जहाँ अपराधियों पर गर्म तो पीड़िताओं पर नर्म रहने वाले SP हरदोई श्री मिश्र कई बार डंडा फटकार महकमे की दबंग स्टाइल की लीक से अलग हटकर कुछ ऐसा कर जाते हैं जो चर्चाओं का विषय बन जाता है। ये डायल 100 की जो पुलिसिंग है वो फोर व्हीलर से की जा रही है। फोर व्हीलर जो है वह शहर के छोटे छोटे गली मोहल्लों में नहीं पहुंच सकते, जहां रास्ते सकरे हैं वहां नहीं पहुंच सकते। नाइट पुलिसिंग में ज़्यादातर ज़रूरत रहती है, जैसे चोर उचक्के और छोटे छोटे घटनाओं को रोकने के लिए। अगर हम एसेसिबल रहेंगे छोटे रास्तों पर जाने के लिए तो इस तरह की घटनाओं पर रोकथाम लग सकेगी। उससे जन समर्थन तो होता ही है, जन संपर्क भी अच्छा सा हो जाता है। इस नाते मैंने इस व्यवस्था को शुरू कराया ताकि साइकिल के माध्यम से एक तो हमारे PUL की बचत होगी, पर्यावरण प्रदूषण भी कम होगा और हम जन समर्थन और ज़्यादा हासिल करेंगे। साथ ही जो है गली मोहल्लों में जो छोटी छोटी घटनाएँ होती हैं उनकी रोकथाम भी और प्रभावी ढंग से कर सकते हैं। यूपी के हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। आर्य कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज बिहानी चुनने में शिक्षक दिवस के उपलक्ष में आयोजित समारोह में गुणवत्तापूर्ण शिक्षक शिक्षिकाओं को प्रस्तुति पत्र देकर व शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। कॉलेज प्रबंधक राजीव रंजन मिश्रा, उपाध्याय डॉक्टर VD शुक्ला ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राधा कृष्ण के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विद्यालय प्रबंधन समिति की ओर से जुलाई से शुरू हुए शिक्षा सत्र से अब तक शतपथ अनुपस्थिति के लिए चुनी गई शिक्षिका शालिनी शुक्ला, नेहा श्रीवास्तव, दीक्षा सिंह व ममता तिवारी को प्रस्तुति पत्र देकर व गुणवत्तापूर्ण शिक्षक कार्यक्रम आने पर शिक्षिका अनीता त्रिपाठी व चंद्र प्रभा को प्रस्तुति पत्र के साथ साथ प्रभा बनकर सम्मानित किया गया। यूपी के हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हरियावा ब्लॉक के ग्राम सभा लहंगा खुले में शौच मुक्त के लिए 5 दिवसीय समुदाय संचालित संपूर्ण संस्था के द्वारा जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। स्वच्छता भारत मिशन हरियावा के प्रेरक नवनीत भदौरिया ने बताया कि इस कार्यक्रम में शौचालय का निर्माण, उपयोग करने, साबुन 4 दिन में, स्वच्छ पेयजल का उपयोग व रखरखाव आदि का संदेश पूरे गाँव में दिया गया है। यूपी के हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में खंड विकास कार्यालय हरपालपुर में 3 दिवसीय अंत्योदय प्रदर्शन का आयोजन हुआ। उनके व्यक्तित्व व प्रतित्व पर प्रकाश डाला गया। प्रदर्शनी में आयुर्वेद व खादी वस्त्रों के अलावा लोगों की जरूरतमंद वस्तुओं के स्टॉल लगाए गए। कार्यक्रम का उद्घाटन विकास अधिकारी वंदना जोहरी ने फीता काट कर किया। इस मौके पर सूचना विभाग की ओर से सहायक निदेशक सूचना श्रीमती कुमकुम शर्मा, संरक्षक प्रदीप कुमार, कृष्ण कुमार मिश्र, सुरेश भारती तथा विकास विभाग से BDO वंदना जौहरी आदि लोग मौजूद थे। यूपी के हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।